मृत्यु को देखना तो पहले वो शुरू ऐसे होता है पहले गाइडेड मेडिटेशन होता है कि टीचर जो है आपको मृत्यु का एक एक केस देगा कि उसमें आपकी मृत्यु हो गई है बहुत, बहुत कठिन होता है वो हिला देता है अंदर से पूरा सिस्टम लेकिन वो करते 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 एक पॉइंट पे जब आप जाते हो आप अपने पूर्व जन्म को भी देख देख सकोगे अगेन तो, तो मुझे दे रहे थे। सब लिए नहीं था। की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है साधना में चित्त आपका एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए आपके चित्त के अंदर जो इसके अंदर जिस, जिसके अंदर ये होता है वो कर पाएगा और चित्त बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए तो जब हम जाते 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 बहुत आप अपने पूर्व जन्मों को देखने लगते हैं तो देखते समय एक दो दृश्य मुझे भी उस दृश्य में जिसको भी देखा जो भी मेरे जीवन के जो पूर्व जन्म के थे तो कुछ मेरे उसमें दुश्मन थे कुछ मेरे मेरे बच्चे थे पूर्व जन्म के इस जन्म के नहीं जन्म के जिनसे मुझे बड़ा प्रेम है कुछ मेरे घर वाले थे जो मेरे से बड़ा वैर वाला रखा है उन्होंने संबंध और कहीं मैंने अपनी मृत्यु को देखा है कि मैं ऐसी मर गई हूं क्योंकि इतना वैर संबंध था तो उसमें हो गया एनिमिटी में लेकिन जब आप वो देखते हो देख रही हूं तो मैं ही हूं ना वहां पर मैं ही देख रही हूँ मैं ही उस दर्द को अनुभव कर रही हूँ मैं ही उस प्रेम को अनुभव कर रही हूं अपने बच्चों के साथ पुरुष जन्म के अब उनके साथ हाँ प्रेम को अनुभव कर रही रहे और जब मैं मर जा रही हूँ मैं देख रही हूँ कि मैं तो चली गई लेकिन ये बच्चे बेचारे और वो जिस घर में है वो घर वाले ठीक नहीं है तो मैं उस तड़प को अनुभव कर रही हूँ मैं तो बड़े हल्के से आप लोगों को ये बता रही हूं लेकिन ये बहुत डीप होता है ये ये जो अंदर के जो इमोशंस जब निकलते हैं उस समय पर बहुत डीप होता है उस समय पर इतना बैठी मैं यहाँ पर हूँ इट्स लाइक कैसे समझाऊं <laughs> फिल्मी दुनिया में ऐसा कोई पिक्चर भी होगा शायद पता नहीं मुझे नहीं पता आप यहाँ बैठे हो बट यू टाइम ट्रेवल हो गया आपका पीछे चले गए हो तो आप ध्यान में बैठे हो और आप सब देख रहे हो और आप सब अनुभव कर रहे हो क्योंकि ये सारे जो इम्प्रेशन है रागर द्वेश आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी पिक्चर आपके सबकॉन्शियस माइंड में है तो आप हो वहां पर आपने टाइम ट्रेवल कर लिया पीछे पीछे तो इतना क्रोध आता है प्रेजेंट में आपको इतना क्रोध आने लगेगा आप ध्यान में हो लेकिन इतना क्रोध आएगा इतना क्रोध आएगा इतना क्रोध आएगा लगेगा कि क्योंकि आपको इतना क्रोध था आपने इतने क्रोध में बॉडी छोड़ी थी उतने क्रोध में आपको लगेगा कि उसको जाके मार दो और उतने प्रेम में उतने दर्द में आपने बॉडी छोड़ी थी कि अपने बच्चे को गले लगा लो माफी मांग लो कैन टाइमली हमें जाना पड़ा था जो भी हमने उस सिचुएशन को सीरियसली लिया लेकिन द फैक्ट ऑफ लाइफ इज अब इस जन्म में बैठे हैं अब वो पुराने जन्म लोग लो है कहां है कहां ये तो केवल तुम्हारे सबकॉन्शियस में क्रोध आ रहा है किसके ऊपर निकाले प्रेम आ रहा है किसको करें अटैचमेंट हो रहा है किसको गले लगाए अब तो सीन पूरा बदल गया है अब तो कोई और है उनको उनको अभी के लोगों में कहा ढूंढे पता ही नहीं चलेगा एक दो को तो पता कर पाई थी लेकिन मेजोरिटी को नहीं पता चलेगा और मेरे गुरु को मैंने बोला मुझे क्रोध आ रहा है मुझे मारने का मन कर रहा है किसी को बोले <laughs> <मुझे> किसको <laughs> किसको मारेगी बता <laughs> किसको प्रेम करेगी वो जो चित्त के अंदर जो जो है वो भी इमेजेस हैं और ये जो अभी जो है ये भी एक दिन इमेज बनने वाले जो सबकॉन्शियस जो माइंड है जो तुम हो तुमने केवल राग और द्वेष इस इस इंप्रेशन को बना कर क्या रखा और इसी राग और द्वेष ने सब शत्रु और मित्र पैदा किए हैं कोई चीज प्रिय लगती है तो, मित्र है, कोई लगता है तो शत्रु तो निकल आओ माइंड ने और उसको फिर दूर कैसा किया जाए अभी एक्सपीरियंस तो हो गया ना तो ऐसे एक्सपीरियंस में निकल नहीं सकते इट्स वेरी डीप क्लिनिंग जिसको कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड का तो माइंड जो है खगोलता गया खगोलता गया खगोलता गया मतलब निकालता रहा खरोज खरोज के डीप <laughs> क्लीनिंग और खरोज करके माइंड ने चार लाइन बना दी चार लाइन एक लाइन शत्रुओं के किस किस जन्म के क्या पता पहचान सबको रही हूं जान सबको रही हूं क्योंकि फीलिंग से जान रहे हो जानना मतलब फीलिंग से आपको पूछे उसका एड्रेस दे दे मुश्किल है फीलिंग 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 से से ही है है वो एक लाइन मित्रों की से. है नहीं कोई इस जन्म में इस जन्म के सब अलग है किस जन्म के फीलिंग से और कुछ ऐसे न्यूट्रल न्यूट्रल मतलब उनसे हम कभी मिले कभी नहीं मिले ऐसे और कुछ थोड़े दिन के लिए मित्रता थी और होता ना नॉर्मल से मित्र ऐसे मतलब मित्र भी नहीं मतलब वी नो देम बट वी डोंट नो देम और कुछ एकदम न्यूट्रल जैसे हम रोड पे चले जा रहे हैं किसी ने हमको देख के स्माइल कर दिया थोड़ी देर के लिए कैसे हैं बात कर लिया सब्जी ले रहे थे सब्जी लेते हुए किसी से बात कर रहे हैं तो उससे थोड़ी देर के लिए दोस्ती हो गई थोड़ी देर के लिए दो मिनट के लिए न्यूट्रल है हमारा कोई फीलिंग नहीं है बट हमको न्यूट्रल हो गया ना ऐसे ऐसे चेहरे भी पहचान में आने लगे और जो दोस्तियां होती हैं जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं किसी के साथ तीन चार दिन के लिए हमने खूब अच्छे से बात करी खूब अच्छे से दोस्ती हो गई फिर थोड़े दिन और अच्छे से बात करते रहे फिर हम भूल गए एक दूसरे को ऐसी भी दोस्ती तो ऐसे चार लाइन क्रिएट हो गए न्यूट्रल मतलब एनिमीज फ्रेंड्स न्यूट्रल्स एनसर्टेन अटैचमेंट्स किससे आप नफरत निभाओगे किसके किसके ऊपर क्रोध करोगे किसको गाली दोगे किसको प्रेम करोगे किसको गले लगाओगे कौन है शत्रु कौन है मित्र कौन क्या सब आते जाते पिक्चर के जैसे ही हैं। क्या तुम वो पिक्चर जब जब तुम स्क्रीन पे जाते हो ना थिएटर में स्क्रीन में जितने विलेन है। विलेन को जाकर के तुम कर सकते हो कुछ बस चित्त में यही पिक्चर है बस क्या करना चाहिए फिर चित्त को इतना भारी रखना चाहिए नहीं उसको उसको निकालने का तरीका एक ही था हमारे गुरुदेव तो ने सिखाया जितने लोग दिखाई दे रहे हैं जितने लोग दिखते हैं जितने लोगों को तुम सबके लिए अपने हृदय में प्रेम भरो प्रेम पहले अपने हृदय को साफ करो खूब प्रेम भरने का तरीका होता है अपने हृदय के अंदर सफेद लाइट जैसे कहते हैं ना ऐसे भरो पहले अपने हृदय को साफ और वो जो लाइट है उसमें खूब प्रेम भरो कि हृदय से कि ये मेरा प्रेम है मैं ये सब आप लोगों को देना चाहती हूँ फिर आप देखोगे जब आप प्रेम दे रहे हो ना बहुत रिएक्शन आएंगे वहां से ये सब अंदर में हो रहा है नहीं लेना चाहते जो शत्रु है वो शत्रु ही है तो पहले उनसे माफी मांगो सबसे तो कहना पड़ता है कि आप सब हमको माफ कर दो और हमने आपको सबको माफ किया आप हमें माफ कर दो और हमने आपको माफ किया ये दोनों कहना पड़ता है एक ही एक से काम नहीं चलेगा हमने आपको माफ किया नहीं वो हमारा अहंकार वाला नहीं जो हम करते नॉर्मल लाइफ में अहंकार वाला माफ ही नहीं आप हमें माफ कर दो हमने आपको माफ किया हम आपको बहुत ज्यादा प्रेम अपनी तरफ से दे रहे हैं हमारे हृदय का जितना प्रेम है हमारे प्राणों से हमारी आत्मा से जितना प्रेम है हम आप सभी को दे रहे हैं आप हमारे प्रेम को स्वीकार करो जितने भी हमारे जीवन के आनंद के क्षण थे हमारे हृदय के अंदर जितना आनंद है ये सारा आनंद हम आपको देना चाहते हैं हम आपको आनंद में देखना चाहते हैं हम आपको प्रेम में देखना चाहते हैं तो हम आपको अपना सारा आनंद देते हैं और चौथी बात हम आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखते हमने आपको आनंद दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप से हम कोई अपेक्षा रख रहे हैं। अब कोई अपेक्षा आपसे है नहीं तो चार चीजें देनी पहला चीज क्षमा करो क्षमा मांगो दूसरा मैत्री भावना हम आपको प्रेम देते हैं बहुत प्रेम देते हैं हम आपको खुशियां देते हैं हम आपको आनंद देते हैं और हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं जब इतना दिया पूरी उसके बाद सेशन के बाद देते गए देते गए देते गए एवरीथिंग सारे मेल्टिंग आंखों से केवल आंसू ही निकल रहे आंसू ही निकल रहे हैं आंसू निकले इतने आंसू इतने आंसू इतने आंसू सब जो जो पता नहीं बरसों कितने जन्मों का होगा सब निकल के बाहर आ गया और हृदय में कहीं कुछ रहा केवल प्रेम 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 आनंद 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 वो एक्सपीरियंस और फिर जब जीवन आप जीते हो अब कोई शत्रुता निभाता है।, है ऐसा नहीं कि नहीं निभा रहे ना लोग शत्रुता निभाते हैं लेकिन हमारे हृदय में नहीं होगा हम तो अकेले जब बैठते हैं तो आपको प्रेम है आपको आनंद है आप रियलाइज करो या नहीं करो आपकी आत्मा को हमने प्रेम दे दिया आपकी आत्मा को हमने आनंद दे दिया आपसे हमें कोई अपेक्षा नहीं है आप हमारे अपने सब में वो आत्मीयता की भावना भगवान को साक्षी रखे कह रही हूँ गुरुदेव को साक्षी रखे कह रही हूँ सब के प्रति सबके प्रति कोई बचता नहीं है सब में अब तो ये दशा है सब में अपना ही विस्तार नजर आता है सब मेरे अपने कोई कोई पराया है ही नहीं क्या कहूं तुमसे उनको बोध नहीं है लेकिन भगवान ने बोध कराया कोई पराया नहीं सब में मेरे प्रभु का वास